सर, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान ने दी थी कुछ दिन पहले, और पहले इनका ये कहना था कि हम भारत के साथ 100 साल तक जंग भी लड़ना नहीं चाहते, टर्म्स भी बेहतर करेंगे, ट्रेड भी शुरू करेंगे, कश्मीर के इशू को बाद में डिस्कस किया जाएगा, कश्मीर से हट के बात होगी। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा जब बात की गई है, और इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने, तो उनका कहना है कि जी कश्मीर पे हम अभी भी उसी जगह पर है जहाँ पहले थे, कि कश्मीर जो है उसको आजाद कराना है और कश्मीर के लोग जो है बहुत मुश्किल में है, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से भी कश्मीर के इशू को जो है हल करने में इतना ज्यादा कोई खास किस्म का स्टेप उठते हुए देखा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है दोनों कंट्रीज ही अवॉइड कर रही हैं और चाह रही हैं बस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, कि लड़ाई झगड़ा भी एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं लेकिन उसका हल भी नहीं निकाला जा रहा। एज अ कश्मीरी एक्टिविस्ट आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, मतलब कि बुलाया मुझे आपने। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, ये आर्मी सिक्योरिटी पॉलिसी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो लफ्ज, ये जो जुमला है या ये जो इस्तलाह है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें तीन लफ्ज है, नेशनल, सिक्योरिटी और पॉलिसी। नेशनल का मतलब तो जाहिर है यही है कि जितना जो भी पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके अंदर अंदर जो लोग बसते हैं वो नेशन है, ये इनका कॉन्सेप्ट है नेशन का, और उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी क्या है? उनकी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर पाकिस्तान में कोई लोग ही ना हो, खाली जमीन हो, तो फिर वहां पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है, ना उसका कोई मकसद है। सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, सिक्योरिटी, बुनियादी सिक्योरिटी जो है, आप किसी भी कौम की, किसी भी नेशन, किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी होती है वो उसकी अवाम होती है। और आप जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि आपने एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिकल पॉलिसी, नेशनल सोशल पॉलिसी जो है वो बनाए। उससे आपकी नेशन सिक्योर होती है, किसी भी मुल्क की। आज बरतानिया की फौज तो इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान की फौज है, लेकिन बरतानिया ने और यूरोप के दूसरे ममालिक ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको, अपनी पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसको, और अपने जो सोशल सिस्टम है, सोशल बेनिफिट का सिस्टम है, उसको इतना मजबूत किया है कि उनको यूरोप पूरे में 100 100 साल तक इन्होंने आपस में जंगें लड़ी हैं, आज उनको जंगें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि जो आपके सवाल का हिस्सा है कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने पहले कहा था कि 100 साल तक जंग नहीं करेंगे, आप कहते हैं कश्मीर के ऊपर पॉलिसी हमारी चेंज नहीं होगी। तो जाहिर है हाइंडसाइट में जब इन्होंने देखा तो इनको ये पता चला कि ये तो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का जो दाखला पॉलिसी है वो खारजा पॉलिसी जो होती है वो दाखला पॉलिसी की अक्कास होती है। फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। तो इनकी दाखला पॉलिसी ये है कि अवाम को हमने दो चीजों पर जो है वो इंगेज रखना है। एक तो ये कि इस्लाम खतरे में है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूशन या इदारा या ऐसा एक सेटअप है जो पाकिस्तान में इस्लाम का दिफा कर रही है, यानी इस्लाम का किला है पाकिस्तान और उस किले के दिफा के लिए पाकिस्तानी फौज है। ये दो ही चीजें हैं, और इसी के बलबूते पर इन्होंने कश्मीर का हवा खड़ा किया है, इन्होंने भारत का हवा खड़ा किया है, इन्होंने कम्युनल बुनियादों के ऊपर हिंदू, सिखों से, बुद्ध मतों से, और जितने भी दूसरे रिलीजन है, क्रिश्चियन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनसे इन्होंने जो है वो एक फेक थ्रेट का एक सेंस पैदा किया है अपने नैरेटिव में। अब देखें, जो ये जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इसी की अक्कास है, यानी पूरे पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है गवर्नमेंट या स्टेट की, वो जब इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो वहां पे इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करते हैं, यानी वही जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी है उसका ही रिफ्लेक्शन हो रहा होता है।
जब ये बाहर कहीं जाते हैं तो वही बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, यानी ओआईसी की मीटिंग हो, कोई भी जगह हो, यूनाइटेड नेशन हो, वहां पे भी ये कश्मीर का हवा बयान करते हैं। हकीकत ये है कि ना पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा है और ना पाकिस्तान के लोगों को भारत से खतरा है। भारत ने तो आज तक हमला ही नहीं किया पाकिस्तान पे, ना उन्होंने कोई दहशतगर्द आज तक भेजे हैं कश्मीर में कि जाओ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो दहशतगर्दी करो या इनके फौजी अड्डों के ऊपर हमले करो। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद असल में ये है कि जो आलमी सतह पे कर्जा देने वाले इदारे हैं उनको ये एक डॉक्यूमेंट पेश किया करने के लिए तैयार किया गया है कि देखिए हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हमने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये सारी चीजें लिख दी हैं, और FATF वालों को भी ये पेश की जाए और यूरोपियन यूनियन को भी पेश की जाए और यूनाइटेड नेशन को भी पेश की जाए, ताकि हमारा जो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है उसको ये दूर कर सके। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, ये आर्मी सिक्योरिटी पॉलिसी है, और इसको इसके ऊपर सिर्फ ये है कि हंसा जा सकता है या फिर रोया जा सकता है अपनी किस्मत पे। लेकिन सर इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें इंडिया, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया इसमें, इंडिया भी थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रहा है, इंडिया भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? हाँ ठीक है, उनके मॉल्स बन रहे हैं, कुछ और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ खास स्टेप मैंने इंडिया के भी नहीं देखे। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया किस हूँ, इशू को सॉल्व लेकिन करने के लिए? कि ये कश्मीर इशू को, कि वो बात तो करते हैं कि जी हमने POK को लेना है, हमने ये करना है, लेकिन कोई किस्म की बातचीत नहीं हो रही, कोई किस्म का कोई हल पेश नहीं किया जा रहा जिससे कश्मीर का इशू हल हो। जो लोग वहां रहते हैं वो परेशान है, चाहे वो हमारी साइड आजाद कश्मीर हो, चाहे उनकी तरफ का कश्मीर हो, कि कश्मीरियों को उस जगह, उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कोई बातचीत हम इंडिया की तरफ से भी नहीं देख रहे। देखिए पहले तो ये है कि आपने दोनों को एक एक ही तरह कंपेयर कर दिया है कि इधर वाले कश्मीर में भी लोग परेशान हैं, उधर वाले कश्मीर में भी लोग परेशान हैं। उधर वाले कश्मीर में कोई परेशान नहीं, वहां खुशहाली है। वहां इन्होंने कहा कि जी 26 जनवरी को वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पर हड़ताल हुई है। कोई हड़ताल नहीं हुई, सरकारी छुट्टी थी, उसको आप हड़ताल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद पहली दफा 73 सालों में श्रीनगर में लाल चौक पर कश्मीरी मुसलमानों ने बकायदा क्रेन किराए पर लेकर घंटा घर जो है वहां टावर, क्लॉक टावर जो है लाल चौक का, उसके ऊपर भारत का झंडा लहराया। वो खैर 2 दिन लहराता रहा, उसके बाद उन्होंने उसको उतार लिया क्योंकि वो छत जो है रिपेयर हो रही है। तो इन्होंने कहा जी वो मुजाहिदों ने जाके वो झंडा उतार दिया। वो क्या, वो मेरे पास उसकी सारी जो उन्होंने वहां एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है कि जी इसकी छत कमजोर है और झंडा फड़फड़ाने से ये छत गिर सकती है, तो उन्होंने रिपेयर का कहा है। तो वो रिपेयर जैसे हो जाएगी वो झंडा फिर वहां लगा देंगे लड़के। मसला हमारे साइड जो है POJK का और POGB का है। देखिए कल मीटिंग हुई है पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में कमिश्नर के दफ्तर, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में। उसने बाकायदा हदायत दी है तमाम सबको कि तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर हैं, SDOs हैं, म्यूनिसिपल के जो लोग हैं, तमाम अफसरान अपने अपने महकमे की तरफ से दो दो बैनर इंडिया के खिलाफ लिख कर लाएं और यहां जमा कराएं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में 5 फरवरी के मुजाहरे के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि जो पोलो ग्राउंड है वहां से लेकर उस चौक तक जो रैली निकालनी है उसके लिए बंदे लेके आए आप लोग। मतलब ये सरकारों को इन चीजों में लगाया हुआ है। कल मुजाहरा हुआ है मुजफ्फराबाद में, 18 लोग थे उसमें। और तो मुजाहरा क्या था, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के कत्लेआम के रोकने के लिए मुजाहरा किया जाए। कौन सा कत्लेआम, कहाँ का कत्लेआम? इसी तरह 26 जनवरी को उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन आप देखें मुजफ्फराबाद में, भिंबर, कोटली, मीरपुर, किसी जगह भी 10-12 लोगों से ज्यादा लोग ये इकट्ठे नहीं कर सके। लोग जाते ही नहीं है, औरतें भी नहीं जाती। कल जो मुजाहरा इन्होंने करने की कोशिश की मुजफ्फराबाद में, देयर वाज नॉट अ सिंगल फीमेल इन दैट। इसी तरह इन्होंने लंदन में कहा था कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं, पूरे UK से लोग आ रहे हैं। इन्होंने मोबिलाइजेशन भी की उसके लिए, कोई नहीं आया। तो इन्होंने फिर खालिस्तानियों को बुलवाया है लास्ट मिनट में, तो वो 25-30 लोग वहां इंडियन हाई कमीशन के सामने खालिस्तान के झंडे लेकर और दो आजाद कश्मीर
के झंडे लेकर खड़े थे। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे कोई टेंशन नहीं है कश्मीर में या जम्मू में। जम्मू में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो है वो ब्रिज बन रहा है, रेलवे और मोटर ब्रिज बन रहा है चनाब वैली में, तो क्या बातें ये लोग करते हैं। दूसरी बात कि इंडिया जो है वो कोई सीरियस शायद नहीं है आपका ये कहने का मकसद। देखिए इंडिया बिल्कुल सीरियस है, इंडिया क्या करे पाकिस्तान के साथ बात करके, जबकि पाकिस्तान जो है वो खुद सीरियस नहीं है। पाकिस्तान तो हर दफा इंडिया जब भी कोशिश करता है बात करने की उसको सैबोटाज करता है। मेरा अपना ये कहना है कि अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करें, बल्कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो अपना किबला उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, बजाय मकबूल भट्ट जैसे दहशत गर्द की जिसने कत्ल किया, डकैती की बैंक में कत्ल किया, उसकी सजा फांसी हुई उसको, जो अगवा किया जिन्होंने लोगों को यूके में इंडियन डिप्लोमेट्स को और उनको कत्ल किया। इस किस्म के इंडिविजुअल टेररिज्म को हवा देने वालों को हीरो बनाया हुआ है राइट ने भी और लेफ्ट ने भी। इसी तरह से जो 11 फरवरी है, देखे ना इस वक्त क्या बयानिया चल रहा है पीओजे के, कि 11 फरवरी को मकबूल भट्ट की बरसी के मौका पर जो अल्ट्रा लेफ्ट हैं, जो तबकाती जदोजहद वाले लोग हैं एनएसएफ के वो भी, और जो नेशनल अवामी पार्टी के जो एनएसएफ का ग्रुप है वो भी और बाकी दूसरे भी, वो भी मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, जुलूस वगैरह निकालने की या मुजाहरा करने की। और दूसरी तरफ राइट विंग की जो जमातें हैं वो भी मुजाहरा कर रही है मकबूल भट्ट के उस पर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों के नैरेटिव जो ये जुड़ रहे हैं आपस में, यानी एक ही आदमी दोनों का हीरो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनको अपने गिरेबान में देखना होगा, इनको दोबारा से अपने नजरियात की, अपने बयानियों की पड़ताल करनी होगी। ये इंडिया के ऊपर आप इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अब तेजी के साथ देखने में ये आ रहा है कि कम अज कम पाकिस्तान का बयानिया जो है वो इन इलाकों में जो मकबूजा इलाके हैं हमारे, इनमें अब वो अपनी जड़े खोखली कर चुका है। जी नहीं, लेकिन सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब एक बात है कि जो हिस्सा कश्मीर का हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान रखे, और जो पाकिस्तान के पास है वो इतने सालों से जो एक झगड़ा चला आ रहा है वो पाकिस्तान रखे, और यहाँ पे पाकिस्तान भी उसी तरह की डेवलपमेंट करवाए जैसे भारत वहां पे करवा रहा है। क्या ये पॉसिबल है, या आप समझते हैं कि नहीं इस तरीके से जो है वो कश्मीरी इसके ऊपर तैयार नहीं होंगे इस बात के ऊपर? पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है। इसमें जो है ना वो बात असल जो है वो ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये कि ये तो वही बात हो गई ना जो वहां सिंध में होती है कि हिंदुओं की लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसको जबरन मुसलमान करते हैं, उसे शादी करते हैं, फिर कहते हैं चलो भाई यार अब जाने दो, उधर ही बस जा तो ठीक है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, आप तो मतलब है कि लेजिटिमाइज कर रहे हैं एक इलीगल एग्रेशन को, एक इलीगल ऑक्यूपेशन को। तो ये इस तरह से ये मेरा ख्याल है कि बात सही नहीं है कि तुम उधर रखो और हम इधर रखते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए, चलो मैं मान लेता हूं कि ये पॉसिबिलिटी एक है ऐसा हो जाता है, तो फिर भी पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के पास रहता है तो वो बतौर कॉलोनी ही रहेगा, वो उनके वसायल की लूटमार ही करते रहेंगे। जो अपने पंजाब में जो है वो बारिश होती है तो लाहौर की सड़कें और मोहल्ले जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट करेंगे मुझे बताएं। इन्होंने तो खोखला कर दिया हमें, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि भारत के साथ इलाक के बाद हमें भारत से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही वसायल को कंट्रोल करके अपने ही जो वसायल है, पानी है, जेम्स हैं, लकड़ी है, बेशुमार चीजें हैं हमारी, उन्हीं से हम इतनी दौलत जनरेट कर सकते हैं कि हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। हमारी आबादी देखें 40 लाख है, 40 लाख में से 20 लाख महाजर हैं हम, 20 लाख लोग मुल्क से बाहर रोटी कमाने के लिए, जान बचाने के लिए, तो इसलिए हमारी कोई इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है कि करोड़ों में हो के हम कैसे मैनेज करेंगे। हमारी तो 40 लाख की आबादी है, 20 लाख बाहर है, उसमें से अगर वापस भी कोई आया चलो 10 लाख, तो हमारी 30 लाख हो जाएगी।
30 लाख लोगों को इतने बड़े रकबे में संभालना और खुशहाल करना कोई मुश्किल नहीं है अगर लूट मार पाकिस्तान की वहां बंद हो जाए। जी बिल्कुल, आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इतने 70-75 साल से हम देख रहे हैं कि टेंशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और वो मेन रीजन जो है उसका वो कश्मीर ही बताया जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कश्मीर की, जैसे अभी आपने बात भी की, पानी की भी आपने बात की, तो ये भी कहा जाता है कि जो अगली जंग अगर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो वो पानी के ऊपर होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि वो खुद सारी चीजें कंट्रोल करें, चाहे वो हिंदुस्तान को बेचना चाहें या पाकिस्तान को बेचना चाहें, उनके अपने कंट्रोल में हो, इसलिए भी ये बात बार बार की जा रही है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए कश्मीर को? आपने बड़ा लपेट लपेट के सवाल करती हैं। खुदा की कसम मैं आपके जब शो देखता हूँ ना, मैं आपके शो जो है ना मेरे लिए एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, इसलिए कि मैं जब देखता हूँ मैं कहता हूँ देखो कैसा है इसने फंसाया गेस्ट को सवाल करके। आप तो बकायदा जूडो कराटे खेलती हैं, सवाल थोड़ी करती हैं आप। तो बात ये है कि देखें, फिर आपने दो बातें की, एक ये कि हमारे वसाइल पे हमारा ही इख्तियार, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को पानी बेचा जाए। मैं आपको यहाँ पे ये बात याद करा दूं कि हमारे रियासत जब मौजूद थी तो ब्रिटिश जो इंडिया था वो हमारा पानी इस्तेमाल करता था, जाहिर है कश्मीर से पानी आता था, तो वो बकायदा हमारे महाराजा को आबियाना देते थे, टैक्स देते थे उस पानी का। ये 1947 के बाद ये टैक्स बंद हुआ। तो जाहिर है अगर हम भारत के साथ शामिल होंगे तो फिर भारत के साथ हमारी जो एज अ यूनियन टेरिटरी या एज अ स्टेट हमारी जो निगोसिएशन होंगी उसके अंदर ये बात रखी जाएगी कि भाई कश्मीर का जो पानी है, आजाद सो कॉल्ड कश्मीर का पानी हो या जहां का भी हो, ये पानी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह का ये जो आ रहा है इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जाहिर है पानी जो है वो एक आज कल के जमाने में एक बहुत इंतहाई अहम रेवेन्यू का सोर्स है, उसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान से हम जो है वो ये कहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक जितना पानी तुमने हमारा लिया है वो तो क्यूबिक से पैमाइश उसकी की जा सकती है, कितने क्यूसेक पानी इनको दिया है, उसके पैसे वापस करो। हम ये डिमांड करेंगे पाकिस्तान से कि जितना पानी आज तक तुमने हमारा इस्तेमाल किया उसके पैसे वापस करो, जितने हमारे तुमने जंगलात काटे हैं उसके रेट तय होगा उसके मुताबिक, उस लकड़ी के पैसे हमें दो, जितनी तुमने खुदाइयां की हैं उसके पैसे दो, और जो तुमने वहां हमारे जमीनों की लूट मार की है उसके बकायदा हम पैसे लें, डिमांड करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं कि पाकिस्तान हम इंडिया के साथ शामिल हो गए तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है जो लूटा हुआ माल जो है वो लेके तो घर चला जाएगा। हम उसका हिसाब करेंगे और पाकिस्तान को हमें पैसे देने पड़ेंगे हमारी रियासत को। तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से बेशुमार नौजवान हैं, खासतौर पर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होगी, लड़कियां हैं यंग, वो मेरी बेटियां जो हैं मेरे साथ मुसलसल रबते में रहती हैं और वो पूछती हैं क्या करें कैसे करें। अभी श्रीनगर में झंडा लगाया लड़कों ने तो मैंने प्रोग्राम किया था मीट मीट अवर हीरो, तो उन दोनों लड़कों को मैंने शो में बुलाया था। तो उसके बाद मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब मुजफ्फराबाद लगा दिए झंडा, इंडिया का झंडा लगा दिए। एक का फोन आया, सर डडियाल में जहां से तनवीर अहमद ने पाकिस्तान का झंडा उतारा था वहां जाके लगा दे इंडिया का झंडा। तो मैंने उनको कहा नहीं बाबा अभी टाइम नहीं है, ऐसा कोई काम ना करना, ये मुहिम जुई है, एडवेंचरिज्म है, अभी जरूरत नहीं है वहां इंडिया का झंडा लगाने की। मैं आपको बताऊंगा जब लगाना होगा उस वक्त फिर पूरा मुल्क ही झंडे लगाएगा, लेकिन अभी आप लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे, मैं आपको कैसे छुड़ाऊंगा, मैं तो जमानतें भी नहीं करा सकता आपकी। तो अभी हमने यही कहा है कि दिया से दिया जलाओ, एक एक का के साथ बात करके पाकिस्तान के नैरेटिव को जो है वो लोगों की जेन साजी करो, उसको खत्म करो, और उसकी जगह ये बात करो जो हम लोग कर रहे हैं, जो फैक्ट है और जो हकीकत भी है। जी
लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बात कर रहे थे वही दोबारा वही पानी की बात करूंगी, तो उसके लिए तो कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना होगा ना, भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ, तभी वो अपने जो वसाइल हैं जो अपने पास उनके पास जो कुछ है उसको वो ठीक से हैंडल कर पाएंगे। मतलब इस पे तो यार मुझे जूते पड़ सकते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट होने की बात कर रही हूँ कश्मीर की, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इसको? पहले तो मुझे ये बताएं कि कश्मीर के इंडिपेंडेंट होने से आपका क्या मतलब? मतलब ना पाकिस्तान के साथ हो ना भारत के साथ हो, कौन अलग कौन एक स्टेट हो कश्मीर, कौन 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 से इलाके, कौन कश्मीर, कौन पूरे से कश्मीर इलाके? की बात कर रही हूँ, पूरे कश्मीर की बात कर रही हूँ जो पूरे जम्मू पाकिस्तान के कश्मीर की पास बात? है, ऐसा और ना, चाहे ऐसा वो ऐसा हिंदुस्तान के हो हो नहीं हिंदुस्तान सकता, वाला भी। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान वाले किसी कीमत पर कश्मीरियों के साथ चलने के लिए राजी नहीं है, ना वो जम्मू वालों के साथ चलने के लिए राजी। जम्मू के जो हिंदू हैं वो भी कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, वरना जम्मू में मुजाहरे हो रहे होते हैं हम लोगों के लिए कि वो भूखे मर गए, वो प्यासे मर गए, लेकिन कोई वहां से आवाज नहीं उठती। तो ये मुमकिन नहीं है ये। और फिर किसी वक्त बात करेंगे कि ये रियासत बनी कैसे। ये रियासत कोई वॉलंटियर बेसिस पर नहीं कायम हुई थी, ठीक है ना? ये उस तरह से कायम ही हुई थी कि मैं आ गया और आरजू आ गई और फरख यूसुफजई आ गए और दो चार और आ गए और हम बैठ गए और हमने कहा चलो भाई हम मिलके एक घर बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे बहुत तरीके से बनी है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान है? हिंदुस्तान के अंदर जितनी रियासतें हैं उनके साथ दिल्ली के मुआहदात हैं, दिल्ली के एग्रीमेंट्स हैं कि भाई ये आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये चुंगी देंगे, ये महसूल देंगे, ये कस्टम ड्यूटी देंगे। अगर हमारी चीजें आपने वहां इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत के लिए तो उसका इतना उसके ऊपर टैक्स होगा। इसी तरह से हम जब इंडिया का हिस्सा बनेंगे, हमारी जब वहां पे एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी हमारी, यानी POJK और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो बैठ के फिर हिंदुस्तान के साथ इन चीजों के ऊपर बात करेगी और कि भाई ये पानी है इसका आप मिनिमम मैक्सिमम क्या देते हैं, क्योंकि वो पैसा हम फिर डेवलपमेंट पे लगाएंगे, समझे कि नहीं? तो जी वो ये मामला तय हो जाएंगे। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कोई माशाल्लाह थोड़ी है वहां पे, या कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर बंदूक लेके खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है।